यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 67। यशायाह अध्याय 67। यहोवा यो कहता है कि मेरा सिंहासन आकाश और मेरे चरणों की चौकी पृथ्वी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कैसा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, सो यह सब तो है ही, परंतु मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूंगा और दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लोहू चढ़ाने वाले के समान है और जो लोबान जलाता है उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। हाँ, उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न रहते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मुझे बुरा लगता है वही वे करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को उन्होंने अपनाया। यहोवा का वचन सुनो। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और तुमको मेरे नाम के निमित्त अलग कर देते हैं, उन्होंने तो कहा है कि भला यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु अंत में उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। देखो, नगर से कोलाहल की धूम मंदिर से ही एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है जो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल देता है। उसकी पीड़ा उठाने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? वह क्या जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उसके संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है कि क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो जन्म देता हूं क्या कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ बहुत हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध निकालकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को बाढ़ में चढ़ी नदी के समान उसमें बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखकर प्रफुल्लित होगे और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होगी और यहोवा का हाथ उसके दासों पर प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की उत्तेजना और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का सामना आग और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों के बीच में जाकर किसी के पीछे खड़े होकर सुअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं और वह समय आता है कि मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठे करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं
उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शिशियों और धनुर्धारी पुलियों और लोदियों के पास, फिर तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भेज दूंगा और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे और वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारणियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे, जैसा इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से भी मैं कितने लोगों को याजक और लेवी के पद के लिए चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे और उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी।